हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है या आज का अपना जो न्यू टॉपिक है वो है लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर। क्या है लाइबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर? संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस टॉपिक में, तो सबसे पहला वर्ड है जॉइंट प्रोमिसर। तो जॉइंट प्रोमिसर का मतलब क्या है? तो सीधी सी बात है, जॉइंट होने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अगर किसी को कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, तो मैं उसे क्या कहूँगा कि वो कौन है? जॉइंट प्रोमिसर है। ठीक है भाई, डेफिनेशन तो इजी सी है, समझ में आ गई। अब क्यों हम इसको देख रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि जॉइंट प्रोमिस तो कर दिया, लेकिन उसे परफॉर्म कौन करेगा। तो सबसे पहले सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी और डी ने मिलके ई को एक कमिटमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसे 1 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। क्लियर है? हो गया भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? तो सबसे पहला आंसर कि वो सारे मिलके पूरा करेंगे, जॉइंटली उसे पूरा करेंगे। ए बी सी और डी चारों मिलके ई को पेमेंट कर देंगे। सीधी सिंपल सी बात है। अब पहली सिचुएशन तो हो गई ये कि वो सारे मिलके पूरा करेंगे। दूसरी सिचुएशन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर डी की डेथ हो जाए तो यहां कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, दूसरी कंडीशन में ए बी सी और डी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बेटा है या बेटी है, वो उसे परफॉर्म कर देगा। अगर तीसरे केस में मैं बात करूं, सी भी मर गया, तो परफॉर्म कौन करेगा? ए बी एंड एल आर ऑफ सी एंड एल आर ऑफ डी। अब अगर बी भी मर गया तो उस केस में ए और इन तीनों के बचे हुए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चौथा केस ये भी मर गया, तो अब दिमाग में क्या आता है कि चारों ही मर गए तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, चारों के एलआर इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलके परफॉर्म कर देंगे। वो अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकते, उनको उसे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन एलआर को इनहेरिटेंस में, विरासत में जितना मिला है वो उससे ज्यादा पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब चलो मैं एक बात करता हूँ, दूसरा केस ले लेते हैं। ये तो एक ही केस में इतनी सारी चीजें हो गई थी। अब दूसरे केस में वही ए बी सी डी को किसे पे करना था? ई को पे करना था 1 लाख रुपए। इस केस में सपोज ई इंसॉल्वेंट हो गया, ई हो गया दिवालिया, तो अब ए बी सी को पे करना पड़ेगा, ओबियसली ई को पे करना पड़ेगा। लेकिन कितना? क्या अपनी शेयर का 25, 25 और 25, इट मीन्स टोटल 75 ही पे करना पड़ेगा या 1 लाख पे करना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा 1 लाख पे करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर जॉइंट प्रोमिसर में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी इंसॉल्वेंसी को बचे हुए जो लोग हैं वो क्या कर लेंगे? बियर कर लेंगे अपने एग्रीड रेशियो में। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि दो लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो सीधा सा वही रूल एप्लीकेबल होगा, ये दो लोग मिलके इनकी इंसॉल्वेंसी को बियर कर लेंगे। अगर तीन इंसॉल्वेंट हो गए तो ये अकेला पे करेगा, और अगर चारों हो गए तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अगर चारों ही इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो उस केस में फिर ये बंदा भी इंसॉल्वेंसी की तरफ भागेगा, क्योंकि अब इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तीसरे केस की, ए बी सी डी, वही एग्जांपल लेता हूं मैं, ए को 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है। ई ने कहा डी को, भाई तू ही दे मेरे को तो पूरा पेमेंट, मेरे को एबीसी से मतलब नहीं, मेरे को पूरा का पूरा पेमेंट कौन दे? तू ही दे, या ये सी को अकेले पकड़ ले, या बी को पकड़ ले, या ए को पकड़ ले। तो बात ही आती है, क्या डी को पूरा पैसा पे करना पड़ेगा? आप सोचोगे भी डी पे क्यों करे, डी तो 25,000 का पेमेंट करेगा। नहीं, अगर सामने वाला बंदा जॉइंट प्रोमिसर में से किसी एक को भी कंपेल करता है तो उसे भी कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा, उसे पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में वो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर से उनके कंट्रीब्यूशन की डिमांड कर सकता है और उन्हें वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इट मीन्स यहां ये इनसे 25, 25 और 25 ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसी टॉपिक में अगर मैं बात करूं, इसी टॉपिक की अगर अपन बात करें, तो किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज करने का इफेक्ट क्या होगा? किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को अगर रिलीज कर दिया जाए, अगर मैं कहूं इफेक्ट ऑफ रिलीव वन जॉइंट प्रोमिसर, अगर मैंने किसी एक को रिलीव कर दिया, वही एग्जांपल ए बी सी डी, ई को 1 लाख पे करने थे, ई ने डी को कहा जा तेरे को माफ किया, तो क्या इसका मतलब सबको माफ किया? नहीं, यहां इन तीनों से वो क्लेम पैसा कर सकता है, लेकिन कितना?
क्या पूरा 1 लाख रुपए? नहीं, सिर्फ इनसे वो कितना इनका जो शेयर बनता था वो माफ करने का, मतलब ये नहीं कि इनका अमाउंट भी वो इनसे रिकवर करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ अमाउंट ही इनसे रिकवर कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज किया जाता है तो उसका इफेक्ट ये नहीं होगा कि बाकी भी रिलीज हो गए हैं, उस केस में बाकी के बचे हुए को अपना पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां तक, अपने एक्सटेंड तक ही, इससे ज्यादा पेमेंट उनको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये किस किस का था? जॉइंट प्रोमिसर का था। ठीक है भाई, अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके यूनिट में, वो है टाइम एंड प्लेस। क्या है? टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का टाइम और प्लेस क्या होगा। तो देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किया गया है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो उसमें टाइम स्पेसिफाइड था, बताया गया था, या कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं था। अगर स्पेसिफाइड था, फॉर मैंने कहा कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को कब कंप्लीट किया जाएगा? विद इन 2 डेज। तो अगर कोई टाइम स्पेसिफिक है तो उसी स्पेसिफाइड टाइम में आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं था, कोई टाइम मेंशन ही नहीं था, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कब? इन रीजनेबल टाइम। कब करना पड़ेगा? इन रीजनेबल टाइम। एंड रीजनेबल टाइम ऑलवेज बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेज, कि रीजनेबल टाइम हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं, कोई टाइम फिक्स ना किया जाए, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ, तो क्या उसे पूरा करना ही नहीं पड़ेगा? करना तो पड़ेगा, लेकिन रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशंस पे। हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैंने आपको कोई ऑफर दिया था एक मार्कर के लिए, कि मैं अपना मार्कर 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, खरीदोगे क्या? ठीक है। और एक मैंने आपको ऑफर दिया, मैं अपनी गाड़ी 1 लाख रुपये में बेचना चाहता हूँ, आप खरीदोगे क्या? 10 दिन बाद आप आके मेरे को बोलते हो कि लो सर 10 रुपये लो और अपना मार्कर बेचो। ठीक है। और सेम 10 दिन बाद आप आगे कहते हो ये लो 1 लाख रुपए अपनी गाड़ी बेचो, तो क्या मैं मार्कर बेचने के लिए कंपेल हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैं तो सॉरी, क्या आप ये कह सकते हो कि भाई आपने ऑफर दिया था आपको बेचना पड़ेगा? तो सीधी सिंपल सी बात है कि उस 10 रुपए के मार्कर के लिए 10 दिन रीजनेबल टाइम नहीं है, लेकिन उस गाड़ी के लिए 10 दिन रीजनेबल हो सकता है। तो रीजनेबल टाइम हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? सिचुएशंस पे, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब मैं बात करूं, चलो टाइम फिक्स भी था, अब आप बोलो सर टाइम फिक्स भी था मतलब डेट फिक्स थी, तो उसे कब पूरा करना पड़ेगा? अगर टाइम और डेट, इट मीन्स डेट फिक्स थी, तो उसे आपको उस फिक्स डेट में पूरा करना पड़ेगा, साथ ही साथ कब? बिजनेस आवर में परफॉर्म करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? बिजनेस आवर में, 10 से लेके 5 बजे तक मोस्टली क्या माना जाता है? बिजनेस आवर माना जाता है। ये नहीं कि आप सामने वाले बंदे को कभी भी जाके कहो कि ले भाई मैं अपना जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म करने के लिए, नहीं, आपको कब करना पड़ेगा? बिजनेस आवर में परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर कोई टाइम स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक टाइम में, और कोई टाइम स्पेसिफिक ना हो तो रीजनेबल टाइम में। क्लियर है? अब बात आती है प्लेस की, तो वही बात, या तो प्लेस फिक्स होगा या प्लेस फिक्स नहीं होगा। 2 केस हो सकते हैं, या तो प्लेस फिक्स है या फिक्स नहीं है। तो अगर प्लेस फिक्स है तो परफॉर्मेंस कब होगी? उस फिक्स प्लेस के ऊपर हो जाएगी, उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हो जाएगी। और अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है तो सामने वाले बंदे की लायबिलिटी बनती है कि वो प्लेस पूछे, या इसको भी मैं अगर हटा दूं तो कहां पे होगी? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है या जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही है, वहां से उसको क्या कर दिया जाएगा? परफॉर्म कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या था अपना? टाइम स्पेसिफिक हो तो उस स्पेसिफिक टाइम में, अगर टाइम स्पेसिफिक ना हो तो रीजनेबल टाइम में, अगर प्लेस फिक्स हो तो उस फिक्स प्लेस के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा, और अगर प्लेस फिक्स ना हो तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप प्लेस पूछो, या जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया था या गुड्स जहां मैन्युफैक्चर की जाई थी वहीं पे क्या किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है? तो ये अपना टॉपिक था कि टाइम और प्लेस क्या होगा। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।